नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रोड 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। कॉलेज प्रबंधन समिति ने चुनाव अधिकारी और कर्मचारियों पर लगाए धांधली के आरोप। खबर मैनपुरी से। एक घंटे तक कमरे में चुनाव अधिकारियों ने करवाया फर्जी मतदान। पूछने पर आक्रोशित हुआ चुनाव अधिकारी विवेक कुमार। रुपए लेकर दूसरे पक्ष को जताया गया। समिति में 580 कुल सदस्य हैं, 340 ने नहीं किया मतदान। वही चुनाव अधिकारियों ने बताया 442 मत पड़े हैं, वहीं 100 मत फर्जी डलवाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज मांगने पर गुस्से में आए चुनाव अधिकारी। 3 दर्जन से अधिक लोग शिकायत करने पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। चुनाव निरस्त करने की कही बात। वहीं मैनपुरी शहर के अंतर्गत चित्रगुप्त इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति का ये पूरा मामला है। खास रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता आमिर अली के साथ। चुनाव पालन है तो जमा कर दिया। सारा चुनाव अभी के सामने हुआ। कब तक मिलेगी? स्कूल से मांगेंगे, स्कूल वजह देगा फिर आपको। कितना टाइम लगेगा? 2 दिन जा रहे हैं, आप एक टाइम दीजिए स्कूल को कि हमें आज इतने दिन में इतने घंटे में पीटी चाहिए। आप बनते ही आपको नहीं नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। बनते ही का मतलब ये है कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप निश्चित टाइम दीजिए इसको। फिक्स टाइम नहीं है, आपके लिए बन जाएगी। आपको देखिए 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, पर इधर बात कर लेंगे। हां वो नहीं करेंगे। सेना टीम का लीडर हूँ। तो इसमें 18 तारीख को चुनाव हुआ था, जिसमें क्या नाम DIOS ऑफिस का ये उनके अंडर में हो रहा था। उसके बाद जब चुनाव हो रहा था उस टाइम 1 घंटे के लिए हम सबको बाहर निकाल दिया गया। इसमें हमें क्या नाम है, इसमें हमें आशंका थी कि 300 के आसपास वोट पड़ा है, बट जब रिजल्ट निकला तो 442 वोट निकला। इसमें हमें लगता है कि इसमें धांधलीबाजी हुई है। इसमें सर क्या नाम है मिले हुए हैं, अधिकारी भी और पुलिस प्रशासन मिला हुआ था। इन्होंने फर्जी वोट डाले हैं उसमें। इसमें हम DM साहब को जाँच करने के लिए आदेश करा रहे हैं। एक घंटे के लिए गेट बंद कर दिया गया था। हमारे सारे प्रतिनिधि और एजेंट थे, सबको बाहर निकाल दिया गया था। हम DIOS ऑफिस गए थे वीडियो फुटेज मांगने के लिए, उन्होंने मना कर दिया गया हमको कि हम आपको वीडियो फुटेज नहीं दे सकते, आप स्कूल से ले लीजिए। फिर हमने उनको बोला क्या नाम है, जब आपकी जिम्मेदारी थी और आपको हम लिख के दिया था, हमने उनको 3 बार लेटर, 2-3 बार लेटर रिसीव कराया है कि आप वहाँ पर ये सब जांच लें, कैमरे हमें चालू हैं या नहीं है। उसके बावजूद भी आज उन्होंने हमको ये बोला कि हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, आप स्कूल से मांगिए। बहुत हमारा वहाँ पर हंगामा करने के बाद वो माने कि हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, पर उन्होंने कोई निश्चित समय टाइम नहीं दिया हमको वीडियो रिकॉर्डिंग। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ सजा हो, कार्रवाई हो और इसको दोबारा चुनाव किया जाए। इसमें